अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं रात के बचे हुए चावल से लेमन राइस बनाना। रात में जो चावल बच जाते हैं उससे हम बहुत तरह की रेसिपीज बना सकते हैं, जिनमें से एक रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेमन राइस बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लें। जब कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए तेल में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चने की दाल और साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है। और फिर तेल में डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई यानी सरसों और साथ ही डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। अब इन सभी को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब राई चटकने लगे और जीरा और मूंगफली का कलर चेंज होने लगे, हम तेल में डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 15 से 20 करी पत्ता। अगर आप तीखा नहीं खाते तो हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। आप करी पत्ता और मिर्च को 30 सेकेंड यानी आधे मिनट के लिए फ्राई कर लें और फिर इसमें डाल देंगे 1 बड़ा साइज का प्याज जिसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे, यानी जो प्याज का कलर है वो हल्का सा पिंकिश कलर होने तक हम इसको तेल में भूनते रहेंगे। और फिर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। हमारे जो रात के बचे हुए चावल है उसमें भी नमक ऐड किया हुआ है, तो नमक आप ज्यादा ना डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक को डालें। नमक डालने के बाद 1 बार चम्मच से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद अब इन सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट तक इन सभी मसालों को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पके हुए चावल। ये रात का बचा हुआ चावल है यानी रात का बचा हुआ खाना। यहाँ पर मैंने 2 कप जितने चावल का इस्तेमाल किया है। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और फिर इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारा लेमन राइस बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इस लेमन राइस को 1 प्लेट में निकालकर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये लेमन राइस बहुत ही क्विक एंड जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, तकरीबन 3 से 5 मिनट में। अगर रात को चावल बच जाए तो इस तरह का नाश्ता बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई रेसिपीज की वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप सभी को मिले।